सरकार ने पहली बार अप्रत्याशित कदम उठाते हुए इस साल चार खिलाड़ियों को देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है, जिनमें ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और साक्षी मलिक के अलावा जिमनास्ट दीपा कर्माकर और निशानेबाज जीतू राय भी शामिल हैं। खेल मंत्रालय ने इसकी घोषणा की। बैडमिंटन खिलाड़ी सिंधु ने जहां रियो ओलंपिक में महिला एकल का सिल्वर मेडल जीतकर नया इतिहास रचा, वहीं साक्षी ने महिला कुश्ती के 58 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला जिमनास्ट दीपा केवल 0.15 अंक के अंतर से कांस्य पदक से चूक गईं, लेकिन उनके जोखिम भरे प्रोदोनोवा में शानदार प्रदर्शन ने देश के लोगों का दिल जीत लिया था। वहीं जीतू ने पिछले वर्षों में कई पदक जीते, जिनमें एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड और विश्व चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल शामिल हैं। इसके अलावा मंत्रालय ने अर्जुन पुरस्कार के लिए भी 15 खिलाड़ियों का चयन किया। इनमें मुक्केबाज शिव थापा, लंबी दूरी की धाविका ललिता बाबर, क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे, हॉकी खिलाड़ी वीआर रघुनाथ और रानी रामपाल भी शामिल हैं। इस साल का द्रोणाचार्य पुरस्कार 6 कोचों को दिया जाएगा, जिनमें दीपा के कोच विश्वेश्वर नंदी और भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली के मेंटर राजकुमार शर्मा भी शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हर साल खेलों के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। खेल रत्न पुरस्कार सबसे बेजोड़ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। इसमें पदक के अलावा प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, जबकि द्रोणाचार्य पुरस्कार उन कोच को दिया जाता है जिन्होंने अच्छे खिलाड़ी तैयार करने में योगदान दिया हो।